कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में साथ आने की बात तो कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच सब कुछ सहज नहीं दिख रहा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, 80 सीटों पर चुनाव लड़ने, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस में लाने से भी परहेज नहीं कर रहे। अखिलेश यादव को उन्होंने पिछले दिनों आड़े हाथों लिया था जब अखिलेश यादव ने बागेश्वर में अपना कैंडिडेट उतार दिया था, और अब तो अखिलेश यादव की तरफ से भी एक इशारा ये किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अपनी जगह पर होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी फैसले अपने हिसाब से करेगी। हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया है कि नवरात्र में वो उत्तर प्रदेश की सभी वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। जी हां, अभी तक इंडिया गठबंधन में 2024 को लेकर जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं उस पर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया है, या इसे एक तरफा ऐलान माना जाए कि समाजवादी पार्टी अपनी वीआईपी सीटें या अपनी सुरक्षित सीटों पर वो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर देगी। तो क्या इसे नहीं माना जाए कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं? पहले सुनिए अखिलेश यादव ने कहा क्या था। तो सुनिए, नवरात आते ही हम भी वीआईपी सीटों पे नाम अनाउंस कर देंगे, और अगर हमारे वीआईपी हारेंगे उनकी रणनीति बना रहे हो तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओं को हराने की रणनीति बना चुके हैं। मध्य प्रदेश जब आप चुनाव के लिए सब चुनाव प्रचार के लिए गए, उसके बाद महिलाओं को देखिए, ये सवाल हमसे मत पूछो, महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने, क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहने उनको शामिल किया जाए। तो आपने अखिलेश यादव को सुन लिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों फिलहाल एक पेज पर इंडिया गठबंधन को लेकर नहीं दिखाई दे रहे। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है और अखिलेश यादव लगातार अपनी बातें कह रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि क्या सचमुच चारों राज्यों के चुनाव के बाद ही ये इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे, और क्या उसके पहले सपा और कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में सब कुछ यूं ही असहज बना रहेगा? इसकी वजह भी है, इसकी वजह यह है कि दोनों पार्टियों के बीच में फिलहाल एक कम्युनिकेशन गैप है। समाजवादी पार्टी को यह गले नहीं उतर रहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने यहां एक बोलने वाला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, ऐसा अध्यक्ष जो लगातार घूम रहा है, ऐसा अध्यक्ष जो लगातार बोल रहा है और सपा के खिलाफ बोलने से भी परहेज नहीं कर रहा। ऐसे में दोनों के बीच असहजता बढ़ गई है। क्या ये दूरी खत्म कर दी जाएगी दोनों तरफ के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से? इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखता।